मिस्र इसराइलियों से भरा हुआ था। नया फिरौन डरता था कि इसराइली बेहद शक्तिशाली बन जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें गुलाम बनाकर उनसे बेहद बुरा बर्ताव किया। फिरौन ने आदेश दिया कि सभी इसराइली लड़के मार दिए जाएं। एक स्त्री ने अपने लड़के को टोकरी में रखा और उसे नदी के किनारे छोड़ दिया। उसकी बहन उसे देखती रही। फिरौन की बेटी नदी के किनारे नहा रही थी। उसे बच्चा मिल गया और उसने उसे रखने का निर्णय लिया। उसकी बहन ने उसके पालन पोषण के लिए उसकी माता की सहायता की पेशकश की। फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। मूसा बड़ा हुआ। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री इजरायली को मार रहा है। मूसा ने मिस्री को मार दिया और मिद्यान को भाग गया और 40 साल तक एक चरवाहा होकर रहा। मूसा होरब पर्वत पर अपनी भेड़ों की निगरानी कर रहा था। परमेश्वर की आवाज एक जलती झाड़ी से बोलने लगी, मूसा, मेरे लोग कष्ट में हैं। मैंने उन्हें आजाद कराने के लिए तुझे चुना है। मैं नहीं कर सकता, मूसा ने जवाब दिया। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, परमेश्वर ने वादा किया। अपनी लाठी नीचे फेंक, मूसा ने किया। वो लाठी एक सांप में बदल गई। जब उसने इसे उठाया, वो पुनः एक लाठी बन गई। अपना हाथ ढांप ले, परमेश्वर ने कहा। मूसा ने ऐसा ही किया। उसने देखा ये रोग से भर गया था। जब उसने दोबारा किया, वो चंगा हो गया था। ये जाकर फिरौन को दिखा, परमेश्वर ने कहा। मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मूसा ने कहा। मैं तुझे शब्द दूंगा, परमेश्वर ने कहा। तुम्हारा भाई हारून सहायता कर सकता है। इस तरह मूसा इसराइलियों को आजाद करने के लिए फिरौन को बताने के लिए गया।